चिकन धो रहे हैं, अच्छी तरह से सफाई कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। इसको हम उगार के देखते हैं कैसा है। तो ये देखिए दोस्तों, मस्त कलर आ रही है और तेल भी छोड़ दिया है। खाना निकल चुका है दोस्तों, चलिए खाते हैं। हस्बैंड खा रहे हैं, पूछते हैं कैसा बना है। तो बताइए, निधि खाना खा रही है, तो निधि कैसा बना बेटा? अच्छा बना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? स्वागत है फिर से हमारे एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज का ब्लॉग है मेरा चिकन का, तो चलिए बनाते हैं स्पेशल चिकन करी, मस्त एकदम। और अभी सर्दी का मौसम है दोस्तों। चिकन लेग पीस इसको अच्छी तरह से कटिंग कर लूँ, ज़्यादा नहीं, आधा केजी है। इसके बाद अभी प्याज कटिंग हो रही है, इधर अदरक लहसुन पीसा के रेडी हो चुका है, फ्राई गर्म हो चुका है। तो इसमें पहले अभी सरसों का तेल डाल रहे हैं, गर्म हो गया था, तो इसमें भी सारा खड़ा गर्म मसाला और तेज पत्ता और सूखी मिर्ची डाल दी है, उसके बाद प्याज डाल दें। तो ये देखते हैं, इसमें प्याज डाल दिए हैं, चाय जल्दी ब्राउन करना, तो इसमें थोड़ी सी हम नमक डालेंगे, तो चाय जल्दी गल जाता है और इसका कलर जल्दी आ जाता है। चिकन धो रहे हैं, अच्छी तरह से सफाई कर रहे हैं, तो ये देख सकते हैं प्याज ब्राउन हो चुका है, तो इसमें चिकन डाल दें। लाई भूनेंगे, अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, इसमें मसाला डालेंगे हम। तो अभी इसमें डालें अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट, डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद एक चम्मच हल्दी डाल दें, इसको भी थोड़ी देर तक फ्राई करना है अच्छी तरह। जब इसको 5 मिनट तक भूनना है, लहसुन अदरक और मिर्ची को पकानी है इसको। दोस्तों जैसे पहले हम लाल मिर्ची डाल रहे हैं थोड़ी सी, आधा चम्मच, और थोड़ी सी धनिया पाउडर, ये भी आधा चम्मच डाले हैं, और ये गोलगी पाउडर, ये आधा चम्मच से थोड़ा कम है दोस्तों। उसके बाद है लाल मिर्च, फिर चिली पाउडर डाल देंगे थोड़ी सी, तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर तक फ्राई किए, उसके बाद इसमें भी नमक डाल रहे हैं, इसमें थोड़ी सी नमक डाल रहे हैं आधा चम्मच, क्योंकि पहले भी हम इसमें नमक डाले हैं प्याज में। चलिए इसको अच्छी तरह से फिर से पकाते हैं। अभी मसाले का कलर चेंज हो चुका है, इसमें भी टमाटर डाल दें, तो एक बड़ा सा ही टमाटर कटिंग किए, इसको डाल के भी टमाटर को गलानी है। चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है अच्छी तरह से, डाल के इसकी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसको भी हम ढक देंगे, इसको भी हम ढक दिए, अब ढक ढक के पकानी है। इसको हम उगार के देखते हैं कैसा है। तो ये देखिए दोस्तों, मस्त कलर आ रही है और तेल भी छोड़ दिया है, अपना टमाटर गल के रेडी हो चुका है, टमाटर इसमें नहीं दिख रहा है, खुशबू भी बढ़िया आ रही है इसमें से। तो चलिए चिकन भी सीझ गया अच्छी तरह से, तो और थोड़ी देर तक फ्राई करना है ढक ढक के, तो इसको फिर से ढक देते हैं ताकि और अच्छे से पक जाए। चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, देख सकते हैं कलर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, तो इसमें हम गर्म पानी डालेंगे। तो ये रहा गर्म पानी, तो चलिए इसका झोर करते हैं। तो इसमें हम झोर डाल दिए, इसको भी अच्छी तरह से ढक देंगे और इसको भी उबाला मारेंगे। चिकन तो सीज गया अच्छी तरह से, इसको ढक देते हैं और गैस को फास्ट करते हैं। उबल चुका है, तो चलिए देखते हैं खुल के कैसा हुआ है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, क्या मस्त बन रही है। तो ये देखिए दोस्तों, फाइनली बन के तैयार हो चुका है, तब इसको मिला दिखाते हैं अच्छी तरह से। तो ये देख सकते हैं हम, गाला झोर है इसका, और चिकन भी अच्छी तरह से सीज चुका है, ये देखिए। तो फाइनली ये बन गया है, इसमें धनिया पत्ता चाहिए, लेकिन मेरे पास धनिया पत्ता भी नहीं है दोस्तों, तो अभी हम गैस बंद करते हैं। गैस बंद हो चुका है, इसको अच्छी तरह से ढक दिए हैं, और इधर मेरा चावल बन के रेडी हो चुका है। तो अभी हम सबके लिए खाना निकाल रहे हैं, ये देखिए चिकन कितना बढ़िया बनी है, एकदम लटपट वाली। तो चलिए परोसते हैं थाली में सबका। खाना निकल चुका है दोस्तों, चलिए खाते हैं। हस्बैंड खा रहे हैं, पूछते हैं कैसा बना है। तो बताइए, तीखा है? तीखा है, शानदार है, तो मस्त तीखा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना दोस्तों, तीखा एकदम मसालेदार। ये खाते हैं, इधर निधि क्या कर रही है, प्याज छील रही है। निधि खाना खा रही है, तो निधि कैसा बना बेटा? अच्छा बना, तीखा लगता है, ठीक है खाओ, चलो पानी पिएगी। सारा फैमिली खाना खा रहे हैं, तो देख सकते हैं, और इधर मेरा निखिल खेल रहा है आलू प्याज से, निखिल।
दोस्तों फाइनली खाना पीना हो चुका है। चिकन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनी थी दोस्तों, जैसा हम लोग बनाने के लिए चाहते थे बिल्कुल वैसा ही गांव का टेस्ट था, तीखा और अच्छा था। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आप मिलते हैं अगले ब्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए बाय 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 बाय।